हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम अगेन टू अवर विद्या विहार फैमिली। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है 30 जून का रहने वाला है, जिसमें हम लोग, आप सभी को पता ही मैं क्या बोलने वाला हूँ, द हिंदू एडिटोरियल के कुछ एक वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और उसको ही डिस्कस करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर, जो कि हमारा है कॉन्ट्रवेंशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये उलंग नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है वायोलेशन और अपोजिशन, यानी कि उल्लंघन करना, किसी रूल को फॉलो नहीं करना, मानना नहीं। जैसे ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रैफिक उल्लंघन का पूरा पिक्चर है। ट्रैफिक रूल को कोई फॉलो नहीं कर रहा था, ऐसा हालत बना है। दिस वॉज अ क्लियर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द रूल्स, ये क्लियर रूप से, पूर्ण रूप से रूल्स का, नियमों का उल्लंघन है। सेंडिंग द ट्रूप्स वॉज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द ट्रीटी, सैनिक को भेजना ट्रीटी का उल्लंघन था। सिनोनिम्स देखते हैं, ब्रीच, ट्रांसग्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम्स देखेंगे, एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस, पीस मतलब शांति से रहना। माइग्रेंट वर्कर्स का अपने घर की ओर पलायन करने का इंटेंशन रूल का कॉन्ट्रवेंशन करना नहीं था, वो बस अपने भूख को पूरा करने घर जा रहे थे। आपको पता है लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े थे, इसका मतलब वो लोग कानूनों का या रूल्स का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, वो लोग बस अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने घर की ओर चले जा रहे थे। चलते हैं सेकेंड वर्ड की ओर, जो कि हमारा लिजिटिमेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कानून के आधार से, रूल के आधार से, नियमों के आधार से। ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये कोर्ट का पिक्चर है, एक तरफ राइट है, एक तरफ रॉन्ग है। राइट यानी कानूनी रूप से राइट। द आर्मी मस्ट गिव पावर बैक टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, आर्मी को लेजिटिमेट यानी कानूनी रूप से जो गवर्नमेंट है, कानून के रूप से जो गवर्नमेंट है, उसे पावर वापस देना चाहिए आर्मी को। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एक होता है कि जो डेमोक्रेटिक रूप से, मतलब लोगों के द्वारा चुन के गवर्नमेंट बनाया जाता है, जिसके द्वारा अपनी सरकार बनाई जाती है, और एक होता है जो बाहुबल पे यानी जबरदस्ती अपना सरकार बना लिया है। ये सेंटेंस वही कह रहा है कि आर्मी को जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जो कानूनी रूप से गवर्नमेंट है, उसे उसे उसका पावर वापस देना चाहिए। इट सीम्स ए परफेक्टली लेजिटिमेट क्वेश्चन, ये परफेक्टली एक कानूनी क्वेश्चन है। सिनोनिम्स देखते हैं, ऑथेंटिक, लॉफुल, लीगल। एंटोनिम्स देखेंगे, इलीगल, डिसेप्टिव, डिसऑनेस्ट। चाइना ने एस्टिमेट इतने सारे लेजिटिमेट रूल ब्रेक किए हैं कि एस्टिमेट मतलब लगभग इतने सारे कानूनी रूल ब्रेक किए हैं कि उनसे लीगल तरह की वार की उम्मीद रखना गलत है। अगर बार वार होता भी है तो वो लोग सारे ट्रीटी का उल्लंघन करेंगे। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, जो कि हमारा है ब्लैटेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है जानबूझकर, स्पष्ट रूप से, यानी इसका मेनली मतलब होता है ना सामने वाले को हर्ट करना, यानी ऑफेंस करना, मतलब कोई अच्छे तरीके को, मतलब किसी अच्छी चीज को जानबूझकर स्पष्ट रूप से ना बोलना, किसी निगेटिव चीज को बोलना, यानी कि ये वर्ड जो है एक निगेटिव मीनिंग है, निगेटिव टाइप का एडजेक्टिव है। द होल एपिसोड वॉज अ ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू गेन पब्लिसिटी, ये पूरा जो कर्म था, ये पूरा जो धर्म कांड है जो चाइना का, इसका मेन काम है पब्लिसिटी ग्रहण करना लोगों के द्वारा, कि वो अब एशिया का नंबर वन है, इंडिया से उसका कोई टक्कर नहीं है। हिज बिहेवियर शोड अ ब्लैटेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, उसका बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव जो है, उसमें स्पष्ट रूप से आदर की कमी दिख रही है। सिनोनिम्स, कॉन्स्पिकुअस, अनअवेस्ट, आउटराइट। एंटोनिम्स देखेंगे, हिडन, कंसील्ड, सीक्रेट। ऑफिसर ने ब्लैटेंट बेइज्जती की उसकी, जो कि वो खुद अपनी सीट वैकेंट करके अच्छे इंसान को दे सके। ब्लैटेंट बेइज्जती मतलब पूरा बुरी तरह से उसको इतनी तरीके से बेइज्जत किया कि वो खुद अपना सीट छोड़ के किसी अच्छे इंसान को अपना पोस्ट दे सके। चलते हैं फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि है हमारा टाउट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है सेखी बघारना, यानी कि प्रमोट करना किसी चीज को, पब्लिसाइज करना, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसी को बोलते हैं हम लोग टाउट। ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, जब ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प जब कैंपेन चलाता, जिसके तहत यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प इंडिया आए थे, उनका मेन पर्पस क्या था, प्रमोट करना, पब्लिसाइज करना अमेरिका की शक्ति को, अमेरिका के स्ट्रेंथ को, और अपने इलेक्शन के लिए प्रचार भी करना। चाइना इज नाउ नॉट अलाउड टू टाउट देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, चाइना अब अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में प्रमोट नहीं कर सकता, पब्लिसाइज नहीं कर सकता, उसको अलाउ नहीं किया गया। कल ही न्यूज आया कि अराउंड 60 एप्स को बैन किया जा रहा है।
सिनोनिम्स देखते हैं, प्रेस, प्रोक्लेम, प्रमोट, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, ब्लेम, कंसील, कॉन्डेम, ये होता है एंटोनिम्स। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, अपने किसी प्रोडक्ट का शाउट करने के लिए आपको जोर से शाउट करना होगा जिससे लोगों के कानों में आपकी आवाज जाए, यानी कि अगर आपको सेखी बघानी है तो सुनने वाला तो कोई होना चाहिए, इसके लिए आपको जोर से शाउट करना होगा जो कि लोगों के कानों तक आपकी आवाज जाए। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर जो कि है हमारा आर्जुअस। आर्जुअस पार्ट से स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है कठिन, लेबोरियस, बहुत मेहनती और बहुत ही डिफिकल्ट। ये पिक्चर देख सकते हैं, ये है हमारी इंडियन आर्मी, या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस, यानी कि जो कि आप किसी को भी मान सकते हैं, यहाँ पे छोड़िए ये नहीं तो आर्मी है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऊंचा चढ़ रहा है ये लोग, किसी भी चीज पे ऊंचा चढ़ने पे कितना कठिनाई होती है, कितना डिफिकल्टी होती है, कितना लेबोरियस काम होता है, ये उसी को हम लोग बोलते हैं आर्जुअस। पिक्चर का मेन मतलब ये होता है कि इससे आप लोग वर्ड को रिलेट कर सकें, इससे मतलब वर्ड का निकाल सकें। माइग्रेंट वर्कर्स रीच देयर होम आफ्टर एन आर्जुअस जर्नी, एक कठिन जर्नी के बाद माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर पहुंचे। द टास्क वॉज मोर आर्जुअस देन ही हैज कैलकुलेटेड, उसने जितना कैलकुलेट किया था, जितना अनुमान लगाया था, यह टास्क उससे ज्यादा कठिन निकला। सिनोनिम्स देखते हैं एग्जॉस्टिंग, फॉर्मिडेबल, बर्डनसम। एंटोनिम्स देखते हैं इजी, प्लीजेंट, इफर्टलेस। उसने अपने मुकाम को पाने के लिए काफी आर्जुअस वे चूज किए जिसको देखकर लोग अब जेलस हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, उसने अपने मुकाम एम होगा और चूज एस होगा, यानी कि उसने अपने मुकाम को पाने के लिए, उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए काफी कठिन रास्ता चूज किया है, बट जब वो अब सफल हो गया है तो लोग उससे जेलस फील कर रहे हैं, ये ना कि उसके नक्शे कदम पर चलें बल्कि वो ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा कैसे कर लिया। सो आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन।